Hello guys, now we are going to discuss a very important numerical problem related to your exams. Means जैसा कि हम third unit magnetic effect of current के continuation में important questions and numerical section discuss कर रहे थे, तो उसी में हमने continuity में इस numerical को discuss करना है and this numerical is very very important from examination point of view. तो आपने इसे अच्छे से understand करना है कि किस type से हम इसे solve कर सकते हैं. Clear? तो देखिए आपके पास question है क्या? A rectangular loop of sides 25 cm and 10 cm. ये rectangular loop के आपको sides given है, जैसे diagram given है, तो इसमें 10 cm की ये है और आपके पास 15 cm की ये length है. Clear? Carrying a current of 15 ampere और इसमें जो loop में current flow कर रहा है, वो 15 ampere का flow कर रहा है. Clear? Is placed with its longer side parallel to a long straight conductor. आपने एक long straight conductor लिया जिसमें current 25 ampere flow कर रहा है और इसकी जो longest side है वो ये वाली है. इसको इसके parallel क्या किया गया है? Place किया गया है. Clear? What is the net force on the loop? आपने calculate करना है इस loop पे इस straight conductor की वजह से कितनी force act करती है. देखिए फोर्स एक्ट कराने का एक सिंपल सा कंडीशन होता है क्या कि दो मैग्नेटिक फील्ड का होना कंपलसरी है. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता है कि लूप में करंट फ्लो कर रहा है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में भी करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी. तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेगी? इंट्रैक्ट करेगी. और जब मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या एक्ट करेगी? फोर्स. एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स कि इस लूप पे इसकी वजह से कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, वो हमने यहां पे क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. क्लियर? तो देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए अगर आपने इस लूप पे फोर्स फाइंड आउट करनी है इस कंडक्टर की वजह से, सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए कि फोर्स की आपके पास किस टाइप से होगी. क्लियर? अब देखिए करंट आपके पास इस टाइप से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. एक ना हमारे पास आर्टिकल आता था कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है. क्लियर? अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. क्लियर? तो अगर मैं ठीक से ऑब्जर्वेशन लूं तो यहां पर मैं एक चीज ये देखता हूं कि इस वाले पार्ट में और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है. अगर यहां पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर और ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाए तो दोनों में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में है. अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? यहां पे अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? तो मतलब पहले ये बेसिक फंडास हैं कुछ आर्टिकल्स के जो हमें पहले क्लियर होने चाहिए. क्लियर? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के जैसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहे हैं, तो फर्स्टली वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? और जब मैग्नेटिक फील्ड की देखिए आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप ड्यू टू दिस. क्लियर? तो अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिंक करेगी? इस टाइप से लिंक करेगी. अगर वो इस टाइप से लिंक कर रही है तो इस पार्ट पे कैसे लिंक करेगी वो? जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे सर्कल की फॉर्म में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, तो इस पार्ट से वो कैसे जा रही है? बाहर की साइड जा रही है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो मींस वो यहां से बाहर की साइड आ रही है. तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? डॉट होगा, और यहां पर भी क्या होगा? डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड का. क्लियर? अब देखिए मैं इस पार्ट में देखता हूं पहले कि इन द पार्ट SP करंट आपके पास इस टाइप से फ्लो कर रहा है, फादर मदर चिल्ड्रन. अगर आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिंक कर रही है? बाहर की साइड है तो मैंने ऐसे ले ली बाहर की साइड, देन फोर्स कैसे एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड. अब देखिए करंट आपके पास इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी? डाउनवर्ड. तो मेरे पास इस पार्ट में जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. मैं मान लेता हूं इस पार्ट की F1 है, F2, F3, F4. तो इस पार्ट की F3 का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा. क्लियर? अगर ऐसे में ये वाला पार्ट डिस्कस करता हूं QR, तो इसमें हम देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन मैंने ये लिया. क्लियर?
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस टाइप से है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस टाइप से ली, देन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, मेरे पास ये हो गया, देन फोर्स क्या करेगी, इस टाइप से एक्ट करेगी, तो मीन्स इस पार्ट में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस टाइप से होगा, क्लियर। इसके बाद मैं थोड़ा आपको इजिएस्ट वे में भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्लियर। अब देखिए पी क्यू पार्ट, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपके पास कैसे हो सकता है, देखिए करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्योंकि इस वाले पार्ट में करंट नीचे की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मेरे पास क्या आएगा, इस साइड आएगा, तो मीन्स यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस साइड एक्ट करेगा, क्लियर, कोई डाउट। अब ऐसे अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूं, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो आपके पास यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। एंड प्लीज आपने इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि हां कि मैंने सिंपल इसे कि यहां पे एक दूसरे के टुवर्ड्स एक्ट करेंगे एंड दे विल बी गेट कैंसल आउट, इस टाइप से हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट आर क्यू एंड एस पी इस स्ट्रेट कंडक्टर से क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, क्लियर। मीन्स दोनों के लिए मेरे पास क्या है, डिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट भी सेम ही फ्लो कर रहा है, बिकॉज यही तो फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है, इस पार्ट पे जो फोर्स एक्ट करेगी और इस पार्ट पे जो फोर्स एक्ट करेगी, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, मैं ये कह सकता हूं F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर, सो दे विल बी गेट कैंसल आउट, तो आप ये कह सकते हो एज F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो they will be cancel out, clear। इसका मतलब क्या है, only ये और ये contribute करेगी, clear। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि यहां पे ये वाली जो F2 फोर्स है, ये वाला जो पार्ट है कंडक्टर का इसके नियर है और ये वाला पार्ट क्या है, इससे अवे है, क्लियर, तो जो पार्ट ज्यादा नियर होगा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी और जो पार्ट आपके पास अवे होगा उसके ऊपर कम फोर्स एक्ट करेगी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहां पे नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, F2 माइनस F4 होगी, क्लियर। आपने क्या करना है, F2 में से F4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब फोर्सेस स्ट्रेट कंडक्टर के केस में कितनी एक्ट करती है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, क्या एक्सप्रेशन होता था F का, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1I2 डिवाइड बाय R, और लेंथ के लिए मेरे पास क्या आ गया, तो इसी सेंस से मैंने लिखना है F मेरे पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2, इसमें करंट लेट इट बी I1I2, क्योंकि करंट तो इस दोनों में सेम ही फ्लो कर रहा है और इसमें कितना है हमारे पास 25, डिस्टेंस जस्ट डिफरेंट है F2 में, मतलब डिस्टेंस जो F2 है, F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे लिख लिया 2 × 10⁻², क्लियर। एंड इनटू लेंथ है यहां पे, लेंथ मतलब क्या, इसके कंजुगेशन में मतलब इसके पैरेलल यहां पे कितनी लेंथ इसकी एडजस्ट हो रही है, 25 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर लिख लूंगा × 25 सेंटीमीटर, क्लियर। वैसे इसको हम बाद में लिखना चाहे बाद में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया, क्लियर। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की लिखता हूं F4 की, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1I2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, इस पार्ट का यहां से डिस्टेंस क्या होगा, 10⁻², 12 × 10⁻², एंड यहां पे कितना आ जाएगा, × 25 × 10⁻², क्लियर, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1I2, ये तो कैंसल आउट हो ही जाएंगे यहां पे,
तो 25 कॉमन ले लेते हैं, और नीचे से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां पे 2 है, यहां पे 12 है, तो यहां पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्लियर। और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि ये देखो टोटली ये तो कॉमन ही आ गया, तो यहां पे क्या हो गया, 1/6 आ गया, क्लियर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10^-7 टू I1 का वैल्यू 25 है, एंड I2 का वैल्यू कितना है, 15 एम्पियर इंटू 25 डिवाइड बाय क्या होगा, 2। मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखिए यहां पे 2 है, और यहां पे मैंने इसको लिखा इस टाइप से, एलसीएम लिया तो ये कितना होगा, 5/6, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आगे जस्ट हमने क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व अवर आंसर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7.812 × 10^-4, ये मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। और जब भी आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है ना, देन यू हैव टू टेल अबाउट द नेचर ऑल्सो, क्योंकि यहां पे तो वैसे नहीं पूछा कि हाँ कि क्या नेचर होगी, बट हमें यहां पे जस्ट फाइंड आउट करनी चाहिए कि नेचर क्या होगी फोर्सेस की। आप देखिए यहां पे करंट फ्लो कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्सेस क्या होती हैं इन दोनों के बीच में, रिपल्सिव, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, यहां पे सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव होगी, क्लियर। अब देखिए ये इसके ज्यादा नियर है, तो इसका इफेक्ट इससे ज्यादा है, मतलब जो नेट एफ आया है वो एफ टू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर। मतलब जो एफ का नेचर होगा वो एफ टू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो अपोजिट डायरेक्शन ही है ना, तो नेचर क्या होगी, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नेचर यहां पे क्या आएगी, रिपल्सिव, मींस दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। और एक और कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जैसे एक पार्ट है, व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप, नहीं, यू कैन कंसीडर कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस भी देखो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप विल बी जीरो, वो जीरो होगी, क्यों, ये रोटेशन नहीं कर रहा, दीज फोर्सेस विल बी कैंसल आउट, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के टूवर्ड्स एक्ट कर रही हैं। इस तरह से कोई कंपोनेंट नहीं है कि आपके पास ये प्लेन है और वो उसको रोटेट करने का कोशिश कर रही है, तो यहां पे रोटेशन नहीं है, तो आपके पास क्या है, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप इज जीरो, क्लियर। तो यहां पे आपके पास टॉर्क एक्ट नहीं करेगी, नेचर क्या होगी, रिपल्सिव, और उसके बाद जो हमारे पास यहां पे नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, 7.812 × 10^-4 न्यूटन, इसके SI यूनिट, क्लियर। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और भी इसके टाइप आ जाएंगे, बस ये चीज याद रखना है कि डायग्राम को आपने किस टाइप से बनाना है। बट वैसे तो यहां पे एक चीज याद रखो, ये दोनों तो कैंसल आउट हो ही जाते हैं बिकॉज दे आर एट द इक्वल डिस्टेंस, बट ये दोनों आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, क्लियर। तो अगर आप डायरेक्शन नहीं शो करना चाहते, मत शो करो, पेपर में कोई इतना जरूरी नहीं है, इट विल बी बेटर कि अगर आप शो करो, बट अगर नहीं शो कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको पता है ये दोनों लूप, ये दोनों पार्ट का तो कैंसल आउट हो जाएगा, जस्ट ये दोनों पार्ट बचेंगे, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि नेट फोर्स क्या होगी, इस वाली फोर्स में से जो ज्यादा नियर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। तो नेट फोर्स आ जाएगी, और जो नेचर होगा वो इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके ज्यादा नियर है, क्लियर। एनी डाउट?